इंतहाई वाजिबुल एहतराम सामीन अज़ी वकार उम्मत नबी अहमद मुख्तियार आला हजरत अज़ीम अल बरकत दे रज़ाकार सहाबाए किराम दे होबदार ते मेरे पीर हुसैन दे जान निसार थोड़ी मेरी जबान ते होवे या रसूल अल्लाह दी पुकार रहमत वस्से बेशुमार अहलियाने इलाका मेरी ताली दी मेरी दुआ है अल्लाह पाक थोड़ी मेरी हाजरी नू कबूल फरमावे अंजुमन गुलामा ने मुस्तफा दे तमाम कारकुनान दी अल्लाह खैर फरमावे तुसा लोग दूर दराज तो आए हो थोड़िया सवारियां दस रही मालिक कदम कदम दे बदले नेकियां अता फरमावे जितना मेरिया बेटियां मामा परदा नसीन बा परदा नबी का जिक्र सुन रही हैं सैन जहरा ते अम्मा आयशा ते सदके इन्होंने परदे सलामत रखे मैं अजीज मुकर्रम नकीब मिल्लत हजरत आबिद हुसैन खियाल साहब के हुक्म से थोड़ी अदालत आलिया में हाजिर होया मेरे दिल के चैन हजूर किबला आले नबी औलाद अली पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब तशरीफ फरमाए अस्टेड ते नाद खान हजरात भी बैठन बिशारत बेटा भी बैठा है टैलेंटेड बच्चा है अल्लाह इनकी उम्र दराज फरमावे तो सही इजाजत दो मैं नौकरी शुरू करा सरकार पता है मैं अगे पता है क्यों आया इन्हें पीछे हैं पढ़े लिखे लोग पी एच डी फिलासफर इन्हें बोलना नहीं होंगे इन्हें सिर्फ इन करके सुनना होंगे फिर मैं इस वास्ते अगे आ गया नारे तकबीर बेटा हयाती भी जाग रहे हैं नारे तकबीर हसना नबी दी रहमत फस नारे तकबीर बेटा तू थोड़ा जा इधर मुंह कर ले काली टोपी आ लिया कैसी सोनी टोपी पाई बैठा है नारे तकबीर नारे रिसाल नारे तहकीक नारे गौसिया उच्चा बोलो मिल के बोलो सारे बोलो नर बन के नारे आ है दरे ताजदारे खत्मे नबुवा ताजदारे खत्मे नबुवा मैं दो लेना पढ़दा जनाब दे मिजाज दा थोड़ा पता लग गया तुहानू मेरा भी पता लग जा सी मैं वैसे शाह जी को अपना मुंडे ते हाथ रखवाई बैठा उन्होंने दुआ मेरे नाल है बेटा मैं दो लेना भी पढ़दा आशकों की जबां पे ताले नहीं होते जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते शाबाश शाबाश सुभान अल्लाह जी सुभान अल्लाह आशकों की जबां पे ताले नहीं होते जहां नबी का इश्क हो वो दिल काले नहीं होते मुनकरू को डंके की चोट पे बता दे ऐ जाफर जो बातिल से दब जाए वो नबी वाले नहीं होते सुभान अल्लाह भाई क्या बात है तुम्हारी चल अगली लाइन ही सुन लो मैं थोड़ा नौकर हाँ और लाइन मैनू आबिद बहुत अच्छी लगती है मैं इस वास्ते पढ़ता पिया तेरी समझ में कहाँ ये असूल आते हैं तेरी समझ में कहाँ ये असूल आते हैं फूल के पौधों पे हमेशा फूल आते हैं नबी का मिलाद मनाते हैं इसीलिए इश्क से ऐसी महफिलों में ही तो रसूल आते हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जियो मेरा बेटा बेटा तू मोबाइल का बदन चुकी बैठा कोई जबान शबान ही हला अल्लाह रंग लावी अब पता लगे भाई हजूर दे दीवानिया विच बैठे हुए हैं अल्लाह सलामत रखे सारे मजमे की खैर होवे वकार साउंड वाले की खैर होवे एक घंटा मैनू मिले है जेड़ा कुछ मैं इस तो घट पढ़ सकता उत्ते मैं नहीं जावांगा तुसा ये ऐसा दरूद पढ़ो कि पता लगे कि हजूर दे नौकर कट्ठे हुए बैठे दरूद शरीफ पढ़ो ले ये चार बंदे बोलते पे नहीं बाहर आके नहीं बोलूंगी ठंड जी एक दफा कोशिश करो सारे दरूद शरीफ पढ़ो बाबा माशाल्लाह الحمد لله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان
قال الله تبارك وتعالى في الكلام الكريم والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا गुनहगार है साई करम च कर तेनु जाते कदीर दा वास्ता है इस इलाके आले ओ मैं दुआ पिया करे ना जिदा दिल करे आमीन आखे गुनहगार है साई करम च कर तेनु जाते कदीर दा वास्ताई या वास्ता है खलील दा मौला या बदर मुनीर दा वास्ता है जाए कैद निभाई ओ शाम दे दरबार दे विच उस सज्जाद असीर दा वास्ता है मेरे बच्चियां दी मेहनत नू कबूल चकर मेरा मालिका तेनू शब्बर ते शबीर दा वास्ता है मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर कबर में उसको ही चैन होगा नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन होगा कहन कहे नहीं दुख ठेरन ते चैन कहे नहीं उस बंदे नू भी पत्थर समझी जेंदे दिल विच हुसैन कहे नहीं ना तू आड़ी हमसरी ही ना तू आड़ी बराबरी ही या रसूल हाशमी भला गल उलाब कमाल ही आप हो उम्मी लकब दुनिया बनी तू आड़े सबब खुदा सिखावे खुद अदब कशफत दो जा बेजमाले ही क्या अरब है क्या अजम रब्बे का बादी कसम नबूवत है सही ते खत्म हसनत जमी ओ खिसाले ही हूरो मलाइक तुआ डे गुलाम रसूल करन एहतराम असां भी पढ़ूं सोहणे ते सलाम सल्लो अलैहि वाले ही जदा मुंह मिठा होवे मिलके पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह सल्ले बाबा जी मेहरबानी अल्लाहुम्मा सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सल्ले अल्लाह सैयदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा होवे मुजहरा ते जिम्मेदार दी मुखालफत करे ओ मुजहरा नहीं रह सकदा तुहाडी क्या बात है होवे पटवारी ते तहसीलदार दी मुखालफत करे ओ पटवारी माशाल्लाह माशाल्लाह इतना ही बोलो को मेरे मुंडे ते नहीं भावना ओ पटवारी नहीं रह सकदा होवे नहीं सुन होवे नंबरदार पिंड दा ते बंदे ओदी मुखालफत करन फिर ओ बंदा भी उस पिंड विच शाबाश होवे पुलिस दा सिपाही ते एसएचओ साहब दी मुखालफत करे ओ सिपाही बड़ी क्या बात है होवे मास्टर ते हेड मास्टर दी मुखालफत करे ओ मास्टर मेरा ख्याल है तुहानू समझ आ गई यानी कि मास्टर साहब मुखालफत करन हेड मास्टर साहब दी ओ मास्टर नहीं रह सकदे पटवारी मुखालफत करे तहसीलदार दी ओ पटवारी नहीं रह सकदा मुजेरा साहब मुखालफत करे अपने जिम्मेदार दी ओ मुजेरा नहीं रह सकदा ते जेड़ा बदबख्त नबी दी मुखालफत करे वाह वाह वाह
ਉਹ ਉਮਤੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਪਿਛਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ। ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੂਕ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, 600 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਘੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਹਾਲਾ ਹਾਲਾ ਕਰਕੇ ਉੜ ਤੁਰ ਜਾਵੀਏ, ਇਵੇਂ ਮਹਿਫਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਬਰ ਚ ਜਾਵੀਏ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਹਜ਼ੂਰ ਆਖਣ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡਾ ਨੌਕਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨਕੀਬ ਹਜ਼ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਨਾਥ ਖਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਗਿਣਨ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਆਦਤ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਮਾਂ ਦੀ ਕਬਰ 'ਤੇ ਘੱਟ ਜਾਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣਗੇ? ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ 2000 ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 6000 ਮਿੰਟ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਵੀ ਆਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮਜ਼ੇ ਕਰੋ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਕੰਨ ਦਿਓ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੇ ਅਰਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚੀਆਂ ਆਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਈ, ਇੱਥੇ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮਿੱਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਮਿੱਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪਿੰਡ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿਆ ਪਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਗੂਗਲ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਇਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਜਾਓ। ਬਾਬਰ ਆਦਮ ਦੇ ਛੱਕੇ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਕੀਬ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਥੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੜੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ, ਵਾਹ 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 ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿਆ ਪਿਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ? ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ, ਬੰਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਵਾਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਚਮਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਚੰਦਰ ਨੂੰ ਰਮਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਬਲਾ ਰਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਅਨਾਬਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਖ ਰਿਹਾ, 5ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਹੈ, ਸੂਰਤ ਨਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਆਇਤ ਨੰਬਰ 115 ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜੀਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੱਲਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ, MNA ਬਣ ਕੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਐਡੇ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਬ ਨਾ ਬਣੋ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਸੁਣੋ ਕੁਰਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਬਾਂਗੇ ਦਹੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰਾ, ਉਮਤ ਦਾ ਗਮਖਾਰਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਸਾਲਾਰਾ, ਜਿੰਦ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ, ਅਰਬ ਦਾ ਜੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਬੇ ਦਾ ਹੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਉਮਤ ਦੀ ਲੱਜ ਵੀ ਹੈ। ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ, ਵਮਾਯੂ ਸ਼ਾ ਕੇ ਕਿਰ ਰਸੂਲ ਮਿੰਬਾ ਜਹੰਨਮ ਵਸਾਅਤ ਮਸੀਰਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਬਲੇ ਤੇ ਚਾਸਾਂ ਦੀਏ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਰ ਚ ਚਾਸਾਂ ਦੀਏ ਉਹ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਰਹਿਮਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਕਾਰ ਸਾਊਂਡ ਚ ਪਿਆ ਪੜਦਾ, ਜ਼ਹਿਦ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਾਰੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਸਰ ਕਿਬਲਾ ਸਾਂਗ ਤੇ ਹਾ, ਤੱਲੇ ਨੇਰਾ ਹਾ, 42 ਡੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹਲਬ ਹਾ, ਹਲਬ ਦਾ ਚੌਖਾ, ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋ ਕੁਰਾਨ ਪਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹਾ। ਈਸਾਈ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਖੜੇ ਹਨ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਪਿਆ ਪੜਦਾ ਹਾ, ਅਫਲ ਯਨਜ਼ਰੂਨ ਇਲਲ ਇਬਲ ਕੈਫ ਖੁਲਕਤ ਵਇਲ ਸਮਾਇ ਕੈਫ ਰਫਿਅਤ ਵਇਲ ਜਿਬਾਲ ਕੈਫ ਨੁਸਿਬਤ ਵਇਲ ਅਰਦ ਕੈਫ ਸੁਤਿਹਤ ਫਦਕਿਰ ਇਨਮਾ ਅੰਤ ਮੁਦਕਿਰ ਲਸਤ ਅਲੈਹਿਮ ਬਿਮੁਸੈਤਿਰਿਨ ਇਲਾ
من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم 110 سال دا ایک قبلہ انجیل دا حافظ کھڑا ہا یہودیاں قبلہ عیسائیاں دا گاڈ فادر پاپ کھڑا ہا ہاتھ بن کے یاد آئے تو کتھوں دا مسدا کاری ہے واہ واہ سبحان اللہ اس کہے قرآن پڑھائی ایویں کوئی کاری نہیں پڑھ سکدا جویں تیں قرآن سنائی او یا گود رسول دا پلیا ہے یا دودھ پتول پلائی رب جانے کیڑی مجبوری ہے انہاں ظالم ساگ چڑھائی او بشارت تیری سونی آواز دی قسم ہے تیرا مرشد حسین ساگ تے یاد آئے اکبر دا میں بابا چھوڑ دیتی او نانے دی جاگیر او جڑا نے دے قرآن پڑھم اے دودھ دی وت تاثیر او دنیا مینو حسین آدی ہے میرا نام پیر شبیر آرے تکبیر حسین کون ہے او یوٹیوب وچ پانچ پانچ گھنٹے سر دیوان والے نو کیا پتہ قرآن کیا ہے او میرے میں کیویں پڑھا تیرے نورانی چہرے دی قسم اللہ فرما رہا ہے مَن یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْہُدَى انہاں نو پتہ بھی لگ گیا ہے کہ تو رسول ہے تینو قرآن ملیا ہے تے معجزے بھی دکھائیں پتہ لگ گیا ہے تے پھر بھی تیرا رسول من بعد ما تبین له الهدى انہاں آکھ دے ویتبے غیر سبیل المومنین اے جڑے تیرے غلاماں دے رستے تے نہیں چل دے اپنے رستے تے چل دین انہاں آکھ نو ولہی ما تولا موجا کرو جتنا دیر جی سکدے ہو موجا کرو نو ولہی ما تولا ونسلی ہے جہنم موجا کرو میں تانوں سٹنا جہنم دے وچ ہاں میں سکنا جہنم وچ ہے وساعت مسیرہ جہنم ٹرپل ایریا ہے جہنم خوفناک جگہ ہے سر میں کئی ایتا ایتھے عابد خیال پڑھ سکدا اللہ گواہ ہے اسا نبی دی مخالفت جڑ گئے ہیں اسا ایک محفل کرا کے اپنے آپ نو جنتی ڈکلیئر کر دینے ہیں اسا کیسے لوگ ہیں 70 سال عمر ہو گئی لیکن ہفتے وچ میں 2 دفعہ حضور دی سنت نو کٹوا دینا اے کیسا مسلمان یار مس کال دے وے تو میں دیپال پور پہنچ وے نا اے مؤذن اذان دے وے مسجد سامنے ہووے میں مسجد وچ لگ نمی رکھدا او میں گھٹ تولدا میں دودھ وچ پانی ملانا میں بیٹی دا حق پھیڑدا او میں پھیڑ دا حق غضب کر کے جنت جاونا چاہنا او جنت سوکھی ہووے ہا بلال کوڑے نہ کھاوے گا تسی بھاوے سر تلے کرو تے بھاوے چپ کر جاؤ میں پڑھنا ضرور ہے او جنت ایزی ہووے ہا خدا دی قسم ہے بلال کوڑے نہ کھاوے ہا اوے عابد خیال کیا دیکھ رہے ہیں میں تا اپنی ہر محفل نو زندگی دی آخری محفل سمجھدا پھر موقع ملے نہ ملے او جنت سوکھی ہووے ہا سنہرا تماچے نہ کھاوے ہا جنت سوکھی ہووے ہا او تو زکات نہیں دیندا سیدنا صدیق اکبر گھر وچ سوئی بھی نہیں رکھی او جنت سوکھی ہووے ہا فاروق آدم سکا ماما نہ قتل مارے ہا او جنت سوکھی ہووے ہا ابو عبیدہ بن جرہ اپنے پیو نو نہ مارن ہا ظالما تو سیواں کھا کے جنت حاصل کرنا چاہنا ہے روزے کون رکھے گا قربانی نہیں کردا 5 بجے زیرہ کھاونا چاہنا ہے او قربانی کون دےوے گا
ਲੈਣਾ ਢਾਈ ਢਾਈ ਲੱਖ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਓਏ ਮਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦਾ ਤੂੰ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਪਰ ਪਰ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਹੋਣੋ ਕਦੀ ਮਨ ਨਾ ਪੜੇ ਨੂੰ ਪੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਜਾ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤਾ ਕਦੀ ਮਨ ਨਾ ਪੜੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਫਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਓਏ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਉੱਡਦੀਆਂ ਫੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਉਹ ਤੈ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਓ ਸਨ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵੇਖਿਓ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਖਿਲਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਧਾ ਹੋਵੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਿੰਘ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਤੇਰੇ ਹੰਝੂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਨੇ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੱਛਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੰਘਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਿੱਖ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਓਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਓਏ ਜੰਨਤ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਤੂੰ ਕੈਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਬਾਬੇ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਬੀ ਅੰਮਾ ਐਸ਼ਾ ਦੇ ਹੁਜਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਆਪ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿਆ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਜਲੇਸੂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਟਾਂਗਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਇਹ ਤੇ ਗਾਟੇ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਕੀ ਮਹਿਫਿਲ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਯੇ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਮੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਮਿਲ ਜਾਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਤਾ ਜੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੀ ਕਰੀਰ ਹੈ ਤੋ ਨਬੀ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੀਰ ਹੈ ਚੌਕੇ ਛੱਕੇ ਕੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਤੋ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਕੇ ਜਲਸਾ ਹੋਤਾ ਉਸਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਉਂਡਰੀ ਹੈ ਤੋ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਚਿਗਮਾ ਵੀ ਪਾਰ ਤੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵੀ ਸੁਣ ਐਸੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਹਮੇ ਵੋ ਚਾਹੀਏ ਜੋ ਕਹਦੇ ਐ ਜੰਨਤ ਹਮਨੇ ਮਾਨਾ ਕਿ ਤੁਝ ਮੇ ਹੂਰੋ ਕਸੂਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਯੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਕਾ ਤਵਾਫ ਕਰ ਐ ਜੰਨਤ ਹਮਾਰੇ ਦਿਲ ਮੇ ਹਜ਼ੂਰ ਰਹਤੇ ਹੈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਏ ਇਜਲੇ ਸੂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਗੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਦਾ ਆਂਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਾਸਾਂ
दिल कर दे मैं आके थोड़ा मत्था चुम लवा मैं सोहने दे नाल बासा मैं सोहने दे अज चेहरा रज के वेख सा वो आंदा पे आते आवाज आई है इजलसू बह जाओ अगे हुण कौन पढ़े मेरे बच्चों आवाज आई है बह जाओ गली दे विच उहने अगला कदम ही नहीं चाया उठा ही उठाई बह गया महफिल मुक गई सहाबाए किराम घरां नूं रवाना हो गए मेरा नबी जो मस्जिद नबवी तो बाहर आया है क्या देता है एक बुजुर्ग जड़ा गली दे विच बैठा होया है गली दे विच बैठा होया है नबी मूठे ते हाथ रख के आदे कौन नहीं गली विच बहवन वाला ओ सर चा के आदे सोहना तेरा नौकर अब्दुल्ला बिन मसूद ओ सोना तेरा नौकर आका फरमाते हैं इत्थे क्यों बैठा है आदे आका असा ता तेरा दीदार करन आंदे पे हसे मगर क्या करिए तुहाडा हुक्म होया बह जाओ असा बह गए हजूर मेरे दिल दे चैन पीर सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब मैं अख बंद करके तुहाडे मुरीदां वल मुंह करके पढ़दा विखाणा तुसां ए कि कीने सुन रहे मेरा नबी फरमांदा अब्दुल्ला ए बात तां मैंने मस्जिद नबवी दे विच जिहड़े खलोते हन उहनां नूं कीती आई आदे आका बस आप का डर आया बह जाओ हम बैठ गए ओ फरमाया सारे तां टुर के चले गए ते तू गया क्यों नहीं ओ आदा सोहणा जब तक तेरा आडर नहीं आएगा कियामत हो सकती है असा उठना ही कोई नहीं हाय हाय सदके सदके सुभान अल्लाह हुण लुत्फाया अल्लाह तुहाडी हयाती करे नहीं भाई नहीं नहीं तेरे वल वेखां ते तू सुभान अल्लाह के साडू ऐसी खिताबत ही नहीं चाहिए मेरा बेटा इत्थे तां उहो बोले जदे ते ज़हरा दा बाबा राजी होवे तुहाडे वल वेखां ते तू किसे को जी मेरे पिओ दा जिक्र है ज़हरा दे बाबे दा जिक्र है जाफर कुरैशी का 23 साल तजर्बा है होवे मछली ते तरण ना जाने ओ मछली नहीं होवे मुर्गा हल चला रहे जमीन ले है नवी हल चला रहे हैं जदन हल चलावन लगे अचानक हल का फाला रुक गया वह पीऊ आद रुक जा तले कोई पत्थर आ गया है बैल तो जोर पाँगा पिया है उन्हें मिट्टी हटाई जल्द मिट्टी हटाई वह पत्थर नहा एक देग आई देग कढ़ी देग भी सोने की आहा सुभान अल्लाह देग भी सोने की और हजूर जल्द ढक्कन चाया मेरे प्यारे बच्चों ढक्कन भी सोने का ढक्कन जड़े वेले चाया मैं एक गल का जिम्मेवार हाँ बच्चों तो आखिर मैं मुल्तान तकरीर बनाना यह जरूर है जैसे एक बाग का माली फूल कट्ठे करके अपने प्यारों को देता है मैं कहीं से फूल लेकर आपकी झोली में रख रहा हूँ ये दो कैमरों के दरमियान बात मैं कर रहा हूँ आप बोतल से खेलें या हमारे दिल से खेलें मर्जी आपकी है मैं सदके हो जावा उन्हें आखिया मेरा पुत्र ये तो विच भी सोना है ढक्कन भी सोना है देख भी सोने दिए
उन्हें आख्या अबू क्या करो, फरमाया ना बेटा ना, जमीन असी लई है पहली दफा हल वहा रहे हैं, असी जमीन लई है, कोई सोना तो ना लिया, तू इत्थे रुक, मैं जाके देख उन्हों दे आना जिहदे कोल जमीन लई है। दो तीन चार पांच, मैं राजी हां बेटा, आई एम हैप्पी विद योर प्रोग्रेस, अलहमदुल्ला, तुसा सोना पे सुन दे, मैं बड़ा राजी हां। यकीन फरमाओ, उन्हें देख रखी मूठे ते दे आबिद ख्याल, जदे तू जमीन लई आई ओदा दरवाजा खड़काया, ओ बार है, हां जी, उन के यारो आज पहले दिन ही मैं तेरी जमीन च हल चलाया है, ते यारो तो फिर जमीन दे विचो ही देग निकल आई है, ते फिर देग भी सोने दी, ढक्कन भी सोने का, विच भी सोना। उन्हें कहा मैं क्या करा, भाई मैं देग तो ना लई, मैं तो रकबा लिया, ये देग तेरी। उन्हें आख्या ना, जेड़ा भेड़ का हक खांदा है उन्हें मेरी तकरीर चंगी लगेगी, जेड़ा रात को फसल कप के सवेरे चौधरी बनता है उन्हें क्या पता मौलवी क्या बैठा आता है। मेरी तो उन्होंने वास्ते गल है जिन्हों के दिल में जर्रा ईमान का मौजूद है। उन्हें आख्या भाइया मैं 40 साल तो जमीन चला रहा, हल मैं भी चलाना, मेरी किस्मत च ना हा, तेरी किस्मत च है, ये तेरी है, मेरी नहीं है। उन्हें कहा नहीं जी नहीं, मैं इतना बड़ी देग मैं नहीं लेंदा। एक त्रीजा बंदा पेंदा पिया, वह आके गल सुनो, हजूर दे नौकर हो, मस्जिद नबवी चलो, फारूक आजम दा जमाना है, वह मिंबर ते बैठे, उसने फैसला करा लो, देग पहुंच गई मस्जिद नबवी। उन्हें एक आखे मैं देग नहीं लेंदा, दूसरा आखे मैं नहीं लेंदा, मजमे विचों एक जवान उठिया, तू आराम नाल बैठ जा, तेरे हमसाए नहीं बोल रहे, तेनू ज्यादा है, मैं तेनू कुछ ना कसा, मेरा वादा रह गया। हजरत उमर पाक इन करके बह गए, मजमे विच एक जवान उठिया, वहां के हजरत उमर इजाजत दो तो हम फैसला करें। हजरत उमर मुस्करा क्या दिन, हा हा, तैं तां सैयदना सिद्दीक अकबर के जमाने भी फैसले किए, तैं तां नबी के जमाने भी फैसले किए। आखो जाफर हो कौन हा, ते हुण जाफर अख खोल के पिया दसदा है कौन हा। खान का जिक्र करिए यूथीए खुश, मियां का जिक्र करिए नून लीग आले खुश, जेदा मैं जिक्र हुण पिया करना इहदे नाल हलाल लीग आले खुश होणगे। देखो ना गल है ना, उन्होंने दादे की तारीफ की है, वह खुश हो गए, हुण कोई चीमा आके मेरे दादे की तारीफ कर, मैं कितों किताब ले आवां, कोई चट्ठा साहब आके कोई चौधरी आ गया, भाई तुहाडे दादे ऐसे नहीं है ना, वह उम्मती नबी दे नौकर जरूर है, मगर अली वो है जिहदे बारे में नबी फरमाया है मेरे विचों है मैं दे विचों हां। सदके 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 सदके, मेहरबानी बेटा जी, बोलना सीखो मेरे साथ ताकि जमाना आपसे बोले। मैं सदके हो जावा, आपने फरमाया हजरत उमर मैं फैसला करा, फरमाया कर दे फैसला। हजूर सही तुहाडा दादा तेग दे नेड़े आया, दोवें नूं बुलाया, हां भाई निवे लैंदे, उन्हें कहना जी नहीं असीं देख किवें लवीए, आपने फरमाया तुहाडे विचों किसी की बेटी जवान है, सुभान अल्लाह,
اداکاری نہیں کرنی, شکر ادا کرو کہ اللہ تواڈے تو حضور دا ذکر کروا رہا ہے. سبحان اللہ. تے بھی ہیں جڑے ہیجڑے بلوانے موت دے کنے بلوانے, تسی چنگے نہیں کہ تواڈے کول حسن تے حسین دا خون آیا بیٹھا ہے. سبحان اللہ. रिश्ता दरकार है, फरमाया जा फिर रिश्ता हो गया, बच्ची नूं दूल्हा बना दुल्हन बना ते असीं आंदे पए हैं. पता नहीं कितना सुनोगे. ओ टुर गया तुसां तां समझ गए ना मेरा बिरा. हुण दूसरा जड़े वेले आया आप दिन हां बई ते देग नहीं चामनी, वाके या अली जोड़ी जीवी मैं देग दे पैसे तो नहीं दिते, मैं तो रकबे दे दिते. फरमाया ए दसा तेरा पुत्र भीरा भतरीजा भांजा कोई जवान है, वाके या अली सारे हैं मगर मेरा बेटा तो उस वेले मेरे नाल हा जड़े वेले हल चला रहा हामी. आप उनू कान वेचा दिन जल्दी कर उनू दूल्हा बना के मेरे कोल मस्जिद नबवी लाया. आपे दे कीमें पढ़ा दोए चले गए देग कली पई है. फारूक आदम फरमेंदे ने या अली दोए बंदे टोर गए ते देग उठाई. हजरत अली या दिन अमीर उल मोमिनीन ना घबराओ ऐसा फैसला करे सू लोग मिंबरा ते भी सानू याद करनगे. चले गए फरमाया साई देग ना ओ लेंदा हा जै जमीन खिती आई, ना ओ लेंदा हा जै जमीन दिती आई. एक अपनी बेटी नू दूल्हन पिया बनेंदा है, दूसरा होने पुत्र नू दूल्हा बना के आ जासी. हजरत उमर मुस्करा के आ दिन फिर दूल्हा ते दुल्हन ते दे कोई गल ता करो. आपने मुस्करा के फरमाया दूल्हा होने आ जासी, सारे सहाबा बराती बन के टुर जासू, निकाह तुसा पढ़ा बनाए खुतबा मैं दे बनाए. हजरत तुमर फरमाए दे देग दा क्या बनेगा, फरमाया देगो तू है नहीं लेंदे, असा खुतबा पढ़ के दुआ करके दूल्हा ते दुल्हन नु देग सलामी विच दे देसू, खुदा भी राजी ते मुस्तफा भी राजी. सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. फिर मैं क्यों ना खंडा रमार अलीदा, बड़ा दिल होवे तो पढ़ लवे नारा मार अलीदा, हो बदार अलीदा नारा मार अलीदा, हो बदार अलीदा नारा मार अलीदा, हो बदार अलीदा. जबानी अली हक दी निशानी, सोने आका दी जबानी अली हक दी निशानी. कीवे कर से तू मुनकर, कीवे कर से तू मुनकर इनकार अली दा नारा मार अली दा हब तार अली दा. एक दफा सारे बंदे सिर चा लाओ, चलो हाथ ना चा सको सिर चा अली नाल जेदा रजू चंदा कोई नहीं, ओ बंदे दा असलू लहू चंदा कोई नहीं. सिकरे अली विच मुंह चा वटावे या बंदा गलत है या पीउ चंदा कोई नहीं. हकदार अली दा हो बतार अली दा डरा बाहर अली दा हो बतार अली दा. कर कुरान दा नजारा पढ़ तू छवीसी पारा, कर कुरान दा नजारा पढ़ तू छवीसी पारा. सिद्दीक उमर उस्मान, सिद्दीक उमर उस्मान हे यार अली दा नारा मार अली दा हो बतार अली दा. उषा के किर रसूला
खड़ी विच विच वेख लईए, हाली मेरे 15 मिनट हैं, अगर इजाजत दो तो तुहानू मैं मदीने दी निकाह मेरे नबी पढ़ाया ते दूल्हा काम करदा हा मुल्क शाम विच वन्यान लगा ते घर वाले नू आखन लगा, घर वाले नू आखन लगा मैं वेंदा पिया काम ते, उन्हें कहा ठीक है जाओ, उन्हें कहा जब तक मैं ना आवा ना घरों कदम बाहर नहीं रखना। अल्लाह करे मेरे मामा बेटियां सुने दिल नाल सुने जी, मेहरबानी थोड़ी कोई उन्हों का भी हक बनता है ना, मेरे नबी दे नौकरों वादा मैं काम ते वेंदा पिया घर तो कदम ते बाहर नहीं रखना, उन्हें भी आख्या जा मैं हजूर दी नुकरानी हाँ, ते मेरा निकाह भी जहरा दे बाबे पढ़ाया हा, मैं कदें कदम बाहर ना रख सा। लो मेरे बच्चो ओ चला गया, कोई 10 दिन बाद ओदा बाबे दा आखरी टाइम हा, ते 7 भीरावां दी भेण है, जले आखरी टाइम आया ना सर ते ओदा ओदा पीउ आखन लगा बच्चे वड्डे पुत्र नु जाओ भेण नु आखो आके मेनू मुंह विखावे, जदन मैं वाकिया पढ़दा और ये वाकया मैं अपनिया बेटियां भी कई दफा सुनाया है, जड़ा अज तुहाड़िया बेटियां नहीं है मेरिया बेटियां, मैं इन्होंने भी सुनवा रहा, यकीन फरमाओ जड़े वेले वो गया ना भीरा आखन लगी किवें आया है, मैं कि अब्बा बीमार है आखिरी टाइम है तेन सदन का पिया है, बीबी दे अखों में आंसू जारी हो गए, फरमाया अब्बा तो प्यारा है मगर नबी की शरीयत कि दे जासी, नबी दी शरीयत जड़े ऐसा तकरीर सुन तो फिर मैं फोन कर लिया गया, नहीं तो ना बहुत हो गए, हम सेटिस्फाइड हैं उनकी अता पर, अल्लाह वाहिद की कसम है आखन लगी मैं दुआ कर दी अल्लाह अब्बे नु सिहत दे सी, मैं दुआ तो कर तेन सदन का पे आके वन्या कि जिदे नाल तुसा मेरी डोली टोरी है यो मैनु आख गया है जब तक मैं ना आवा कदम संजीदा लोग नहीं भी बोल रहे, अज तुहाडे मुल्क 60% शादियां नाकाम हो रही इस वजह नाल, असीं आदे जा कम चुक के रखी तू मखदूम की बेटी नहीं भी, तू चौधरी साहब की बेटी नहीं भी, वो मरो तुसा उन्हों आखो ख्याल करी मेरी बेटी, चंगी बेटी का इको दर होंदा है इको घर होंदा है, बाबा सदा जिंदा ना रासी, फिरा तेरे अपनिया बीवियां विच चले जा सन उन्हें तेन वेखना भी नहीं, ते मां भी तेरी जिंदा ना रासी, ये काम करींदा है ना, असी ते काम करके राजी नहीं आना, ओ चाका ले ओ मैं किवें पढ़ा लजपाल बाकमाल नबी दे नौकरों के मैं किवें जावा, ओ मैनू आ गया कि जदन तक मैं ना आवां ते घरों कदम नहीं रखना, नाले अल्लाह दा फरमान है अर्रे जालो कवामून अलनिसा, मर्द सरदार है औरत सरदार ही कोई नहीं, ते नाले कुछ दिन पहले अली ते बतूल दी थोड़ी बोती में अनबन हुई है, ते नबी खुद अपने दमाद नू मस्जिद नबवी विच उठा के आख्या कौमिया अबू तुराब, ते घर लै गए फिर बतूल दा हत अली दे हत दित्ता है, ते फिर फरमाया है जहरा खबरदार अगर अली नाराज होवे हा ते तू फौत हो जाने हा तो मैं तेरा जनादा ही ना पढ़ावा, जेड़ा नबी अपनी बेटी नू रियायत नहीं करदा मैनू रियायत कर देवेगा, मैं नहीं जानती। लो मेरे बच्चो मेरे बिरावो तू चला गया, पीऊ आदा किथे बेटी वो के नहीं आंदी, क्यों वो के वो आदी है मैं नहीं आंदी जब तक तेरा दमाद इजाजत ना देसी, चाचा जी खड़े आ उन्होंने कहा ठहर जा नहीं आंदी मैं खुद जाना, भड़दा गया के गुस्सा करके उठड़ी उठ पुरका पा, वो के चाचा नाराज ना होवी नबी दी शरीयत भी तो कोई शय होंदी है, मैं नहीं जानती, मैनू तारे भरी रात की कसम है बाबा फौत हो गया, इस चक जितना ही उस वेले मदीना हो सी या इस तो थोड़ा वड्डा हो सी, बाबा फौत हो गया बेटी ना गई, ऐसे घर बसते ठीक है बस सुनो तुसा सर यकीन फरमाओ बिशारत मैं क्या बोल रहा हूं, जड़े वेले मेरे लजपाल बाकमाल नबी नु खबर मिली के मेरा जंदी साहब ही फौत हो गया आप आ गए, आपने फरमाया हाँ भाई जनादा केड़े वेले है
उन्हें कहनी तुहाडा इंतजार है। आपने फरमाया किथे जनाजा है? आका सामने अचानक एक सहाबी आ गया, या रसूल अल्लाह इहदी बेटी तां मुड़ी मूंह वेखण नहीं आई। उन्हें आख्या शरीयत दी इजाजत नहीं, जे तूने घर वाला इजाजत ना देवे। मेरे नबी ने उहदे वड्डे भीरा नूं बुलाया, सहाबी दे पुत्र नूं बुलाया, हाँ बई तेरी भेण आ, छोड़ो जी छोड़ो, वह नहीं आई। फरमाया चलो वह नहीं आई ना, असी मैयत ही तेरी भेण दे दरवाजे ते लै जांदे। महफिल च बाणा है, भजना नहीं, भगोड़ा नहीं बनना। शादियां पूरी अटेंड कर दियो तो नबी दी महफिल भी पूरी अटेंड कर दियो। तुसी कोई मौलवी वास्ते नहीं आए, कख नहीं लभना तुहानू, तुसी हजूर वास्ते। मैं अगे किवें पढ़ा मेरे प्यारो? मेरे नबी फरमाया ओ नहीं आई, तो कोई गल नहीं, असा मैया तो दे घर लेवे ने है। और पिताली डी आले ओ जिस जनाजे नाल आमना दा लाल टुरे, ओ कितना बरकत जनाजा होएगा। ओ जिस जनाजे विच सिद्दीक अकबर जैसा जवान होवे, फारूक आदम जीशान होवे, जिस जनाजे विच उस्मान होवे, शेरे मर्दान होवे, उस जनाजे दी क्या बात है। ओ लोगो जड़े वेले मैयत टुरी है, जनाजा चैन है, गली विच जनाजा आ गया बच्ची दे मकान दे बाहर। ओदा भीरा अंदर गया है, आदा उठी असा अब्बे दी मैयत लाए। बेटा ना रो, अल्लाह तेरे हंजू कबूल करे, हर बंदे नू नहीं पता मैं क्या पिया दा। ओ लोगो जनाजा गली दे विच रखिया होया है, पीर जैद हुसैन शाह तेरी जाती कसम है, मैं आप छे बेटियां दा प्यूआ, छे पोतियां दा मैं दादा हां, मैं इस गल नू समझदा। ओ जड़े वेले जनादा बिन ख्याल बाहर हा, ओ बच्चा अंदर गया है, आदा बाहर आ प्यू दी मैयत चाए है, रो के आदी एवे भैया नाराज ना हो, शरीयत दी ये कदम बाहर नहीं रखना, बाहर कदम रखना होवे हा, मैं क्यों ना जावा हा। जड़े वेले मेरे नबी दे कोल गल पहुंची है, जड़े रो रहे हो मेरी दुआ है, रात सोवो तुहानू सरकार मदीना दीदार करावे। इवे महफिल सुनी करो, मोबाइल नाल ना खेडे करो, चुटकले ना मारे करो, ओ तुम्हें कोई देख रहा है। ओ जड़े बच्चे रोंदे बैठे हो, हजूर मैं किवें पढ़ा? बच्चा दा जी ओ दिए जनाजा अंदर ले आओ। नबी फरमाते ठीक दादी भैया जनाजा अंदर ले चलो। चले मैयत अंदर गई है, ते जड़े वेले मेरे नबी नू आंदा वेखिया है वेहड़े दे अंदर, दिल विच आदी है शायद नबी नाराज ना होवन, मैयत आ गई। मेरा नबी फरमांदा चल बेटी हुण पिऊ दा मूंह ता देख। होया बेद मैनू पता है, जदन पिऊ मर जावेन बेटियां दे मान टुट वेंदे नी। ओ जदन बाबे ना रावेन बेटियां भीरावां दे घर डर डर के आंदियां कदे भाबिया देवे। मेरे हाथ बनने वेखो, मैं कुरेशी हाशमी हो के हाथ पिया बनदा, रब तो पुत्र मंगो, लेकिन एक बेटी मेरा बच्चा जरूर मंगनी है। ओदी वजह है पुत्र जायदाद बनेंदा है, बेटी दुख बनेंदी है। ओए पिऊ मर जावे पुत्र जनाजे ते खड़िया वे दाए तेरे सोने चेहरे दी कसम, बेटी खड़ी नहीं वे दियो ता बाबे दा मूं वे दिए। ओए ओ बेटी भी याद करो जड़ी करबला दे मैदान च सवा चार साल दी है, सामने
शहीद होता रहा ते बच्ची ओ मैं सदके हो जावा मेरे नबी दी मुखालफत दीन दी ना करो एदे विच बेहतरी है मेरे नबी जदन इजाजत दित्ती है उस वेले कंबदे होए हत्तां दे नाल इवें बाबे दे चेहरे तो कफन हटाया कफन हटा के बाबे दा मत्था चुम के आ दिए वे बाबा जदन दा सुने भी तू बीमार है मेनू नींद नहीं आई ओ मेरा बाबा ने खुद आखिया घर वाले दा क्या मनी ओ दे खिलाफ कदम न चावी मैं तेरे नबी दी शरीयत ते चलनिया नाराज ना होवी हुण मैं दो भी खाए जड़े रो रहे हो जरा तुसा भी आसमान वल भी खाए उस बीबी ने आसमान वल निगाह कीती है अदिए मेरा मालिका अगर तेनू मेरी ए तरीका चंगा लगा है तो मेरे ते राजी हो जा और मेरा बाबा ता जनती है क्योंकि नबी दा सहाबी है नबी जनादा पढ़ा बढ़ाए उस वेले जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए फरमे दिन महबूबा अल्लाह पे आदा इस तो पूछो तू जीती किसके लिए है तू मरेगी किसके लिए और तू कुर्बानी किसके लिए देगी तू नमाज किसके लिए पढ़ेगी मेरे बच्चों मेरे नबी ने चार सवाल कीते अड़ी नमाज के दे वास्ते पढ़नी आदि अल्लाह वास्ते फरमाया जीदी के दे वास्ते आदि अल्लाह वास्ते फरमाया सदका खैरात के दे वास्ते कर दी आदि अल्लाह वास्ते फरमाया फिर ए दसा मौत आवे तक के दे वास्ते आदि अल्लाह वास्ते बेनियाद अल्लाह नु उस बीबी दे लफ्ज चंगे लगे अल्लाह ने फौरन कुरान दी आयत भेड़ दित्ती फरमाया महबूबा तुसी भी फरमा दियो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन महबूब फरमा दीजिए मेरी नमाज मेरी कुर्बानी मेरी हयात मेरा दुनिया को छोड़ कर अल्लाह के पास जाना ये सब कुछ अल्लाह के लिए है और तकरीर खत्म हो गई कहने का मकसद ये है हर किसी की मुखालफत करो मगर नबी की शरीयत पर चलो इसकी मुखालफत ना करो अगर मुखालफत नहीं करेंगे मुस्तफा भी राजी होगा खुद खुदा भी राजी होगा अल्लाह तुहानू सलामत रखे मैं बेटा पढ़ता मेरे सत्त मिनट है मैं दो मिनट पढ़ता होर एक कसीदे का हुक्म है जी एक बच्चा साढ़े दीपालपुर तो अगर एक जगह है उतो आया बसीरपुर तो आया बैठा है तो यह हुक्म है जी ये पढ़ दी वाए तो मैं दो लाइना पढ़ देना यह है हजूर बड़ा चंपियन किस्म का कसीदा ये इंटरनेट पर वायरल है फिर लोग सुन दे फिर फरमाइशा कर देन मन्ने ना जेड़ा थीसी ओ बर्बाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुक्म मनिया मन्ने ना जेड़ा थी सी ओह बर्बाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद राजी भी हो गए कोई ना मेरे ते अच्छा तू हंजू बहा रहे हो पढ़ो मेरे नाल मन्ने ना जेड़ा थी सी ओह बर्बाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद दुश्मन हुसैन यजीद दी औलाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद हुसैन जिंदाबाद वो बेटा है बतूल का नवासा है रसूल का वो बेटा है बतूल का नवासा है रसूल का नहीं कोई जवाब अली के बाग के है फूल का है दुश्मन नबी जिसे हुसैन से आनाद है हुसैन जिंदाबाद 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 आखिरी शेर आखिरी है मेनु चंगा बड़ा लगता है हुसैन वो जवान है जो कारी है कुरान है हुसैन वो जवान है जो कारी है कुरान है सहाबा
صحابی رسول ہے نبی کا خاندان ہے صدیق عمر کا لاڈلا صدیق عمر کا لاڈلا زمانے بھر کو یاد ہے حسین زندہ باد ہے اللہ پاک تواڈا میرا حامی و ناصر ہوئے میں انتظامیہ نو مبارک دینا عابد بھائی آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے لئے دعا کیجئے گا بشارت بھائی آپ کا بھی بے حد شکریہ اللہ آپ نو سلامت رکھے حالی ٹائم بہت ہے قبلہ شاہ صاحب بھی بیٹھن تسی محفل دا حصہ بنو گے آمین آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین